कंपनी के रखते हो मिस्टर रखते हो मिस्टर कंपनी की है यार ये जो वो देख रहा है वो कितने का मिल जाएगा भाई साहब उन प्लेटों का भी किया डब्बों का भी किया ऐसी बात ऐसे तो चलान शैम्पू का भी है हर चीज का है ये तो हमें भी पता है ठीक है ये पैकेट है चलान है सर जो आपने कल चलान काटे हैं इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। हमारे पास काफी कंप्लेंट आ रही थी कि भाई जो बाजार में मेन बाजार में दुकानें उनको तो हम चलान काट देते हैं बट कुछ अंदर जो अंदरूनी एरिए हैं मोहल्ले हैं उसमें छोटी छोटी दुकानें वो भी पॉलिथिन वगैरह का प्रयोग कर रहे थे तो आज हमने उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए चलान किए हैं जी। सर कहाँ कहाँ किस किस मोहल्ले में आप गए और कितने कौन कौन कंप्लेंट देते हैं? मोरी गेट में डेरा साहब मोहल्ला समाती गेट और माता राजकोट। सर आपकी टीम के द्वारा यहाँ पे रेड की गई इन छोटी छोटी दुकानों के अंदर तो आपको क्या प्लास्टिक मिली और कितने चलान किए गए? हमने जो रेड की उसके अंदर हमें पॉलिथीन तो वेरीफाई ही मिला तकरीबन जो लाइसेंस वाला लोग यूज कर रहे हैं बट कुछ लोग कटलरी जिस तरह चम्मच वगैरह पुरानी पड़ी हुई थी लोगों के पास वो हमने पकड़ी है उनके चलान किया लोगों को अवेयर किया भाई ये मत रखिए इनका चलान इनकी जनाब लकड़ी की चम्मचें आती हैं वो प्रयोग कीजिए। सर कहीं ना कहीं बड़े दुकानदारों को तो पता है कि क्या चीज बैन है क्या चीज नहीं बैन है। छोटे दुकानदारों को मतलब कहाँ कहीं तक मतलब सहमत नहीं है कि उनको ये है कि प्लास्टिक के बैग में रखने और वो कुछ और आइटम प्लास्टिक के रख लेते हैं जो कि पकड़े जाने पर उनको भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे क्या चीज बैन है या क्या चीज नहीं है उसके बारे में थोड़ा बताएं। आज जो हमने चलान किए ना तो लोगों में अवेयरनेस ही नहीं थी वहां अंदर के मोहल्ले में सर हमें पता ही नहीं कि क्या चीज बैन है क्या चीज अलाउड है तो उसके बारे में हमने उनको बताया भाई ये चीजें बैन हो चुकी हैं और ये क्योंकि पुरानी सामान मिले हमें ना काफी तो उन्होंने बोला भाई हमें तो पता नहीं था। हमने कहा चलो पता नहीं था चलान तो होगा लेकिन नेक्स्ट टाइम से आप मत रखिएगा तो अवेयरनेस की वहाँ कमी लगी वो आज हमने पूरी की अपने। तो आखिर में क्या कहना चाहेंगे सर? बस मेरी यही एक बार फिर आपके चैनल के माध्यम से यही प्रार्थना है कि सिंगल यूज प्लास्टिक गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है आप सभी लोग सहयोग कीजिए सिंगल यूज प्लास्टिक का बिल्कुल भी प्रयोग मत कीजिए बहुत हानिकारक है आप सभी को अवेयर कीजिए इसके माध्यम से हम भी अवेयर कर रहे हैं और आप लोग भी इसका पालन कीजिए सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग ना कीजिए। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।